टाइम 2016 का था जब एक माँ अपने बच्चे के साथ अपने घर पर खेल रही थी। इस टाइम उस महिला की माँ भी वहाँ पर आई हुई थी क्योंकि वो अपने बच्चे का ध्यान अकेले नहीं रख पा रही थी, तो उसने अपनी माँ को बुला लिया और इस टाइम वो उसके घर पर ही थी। उस टाइम उस घर में मौजूद सभी लोग बिल्कुल खुश थे कि तभी उस महिला के पास एक कॉल आता है और वो उस कॉल को सुनकर अपने घर से बाहर जाती है। घर से बाहर जाने के बाद वो पैदल ही कहीं पर चली जाती है, लेकिन शाम हो जाती है, रात होने लगती है, लेकिन अभी तक वो वापिस नहीं आई थी। उसकी माँ काफी ज्यादा परेशान होने लगी क्योंकि उसे घर पर अपने नातिन को भी संभालना था और उसके ऊपर इसकी माँ भी गायब हो चुकी थी, तो वो काफी ज्यादा परेशान होने लगी और आखिरकार अगले दिन की सुबह उसने पुलिस के पास कॉल कर दिया। लेकिन असल में हुआ क्या था यहाँ पर, कौन थी वो महिला और आखिरकार वो अपनी माँ को बिना बताए कहाँ पर ऐसी जगह पर चली गई थी कि अब वो वापिस आई ही नहीं, और वो फोन किसका था, इन्हीं सब चीजों के बारे में डिटेल से जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग ऑफबीट पॉडकास्ट पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं यहाँ पर मिस्टीरियस सोल्ड अनसोल्ड और काफी सारी क्राइम स्टोरी लाता रहता हूँ। और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें क्योंकि मैं अगले वीडियो में आप लोगों को शाउट आउट देने वाला हूँ। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी। टाइम था 1981 का जब एलनोर और लोरने के घर पर टोरंटो में ब्लेक का जन्म हुआ। ये लोग काफी ज्यादा अमीर थे, इसकी माँ की खुद की एक प्लास्टिक फैक्ट्री थी और इसके पिता के अपने काफी सारे अलग बिजनेस थे, तो फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो इनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। ब्लेक का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम कोडी था। टाइम बीतता रहता है, ब्लेक और कोडी दोनों ही बड़े होने लगते हैं, लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ इनके माता पिता के बीच कुछ एक लड़ाइयां हो जाती हैं और आखिर में इन लोगों ने यही डिसाइड किया कि वो अलग हो जाएंगे। उन दोनों के पास अपने अपने अलग अलग कारोबार तो थे ही, तो आखिर में उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया कि ब्लेक अपनी माँ के साथ रहेगा और उसका भाई कोडी अपने पिता के साथ रहने वाला है। बचपन में ही ये दोनों भाई अलग हो चुके थे, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं भूलते हैं और बड़े होने के बाद भी एक दूसरे से मिलने के लिए ये लोग आया करते थे और आपस में इन लोगों की बात होती रहा करती थी। टाइम 2000 का आ चुका था और इस टाइम ब्लेक 20 साल का हो चुका था। वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ने के लिए हॉस्टल जाना चाहता था, तो उसने अपनी माँ को बताया और उसकी माँ इस बात के लिए मान भी गई। तो ब्लेक ने अपने भाई को बताया कि वो इस तरह हॉस्टल में पढ़ने के लिए जा रहा है अपने दोस्तों के साथ। तो ब्लेक भाई कोडिक ने ये बात कही कि उसने भी पिताजी को ये बात कही थी कि वो बाहर अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करना चाहता है हॉस्टल में रहकर, लेकिन उन्होंने अभी तक ये बात उनकी नहीं मानी है। लेकिन ब्लेक अब हॉस्टल जा चुका है और वो बाहर पूरे तरीके से आजादी से घूम पाएगा। इस बात को सुनकर कोडी काफी ज्यादा खुश हुआ और वो बाहर इतना ज्यादा एंजॉय करेगा इसी बारे में वो सोच रहा था। और इसके साथ साथ उसने अपने पिता को भी ये बात कही कि वो भी बाहर हॉस्टल में जाकर पढ़ाई करना चाहता है जैसे कि उसका भाई गया है। और कुछ एक दिनों बाद ही उसके पिता इस बात के लिए मान जाते हैं और अब वो दोनों ही भाई अपने अलग अलग हॉस्टल में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उन दोनों की अपनी अपनी पढ़ाई तो अभी चल ही रही थी कि इसी बीच ब्लेक के दिमाग में ये बात आई कि उसे खुद का कुछ करना चाहिए। जिस तरह से उसकी माँ की खुद की एक फैक्ट्री है, उसके पिता के अपने अलग अलग तरह के काफी सारे बिजनेस हैं, इसी तरह उसे भी अपना कोई ना कोई काम धंधा अभी से जमा लेना चाहिए क्योंकि उसका इन सभी चीजों में इंटरेस्ट भी है और उसकी पढ़ाई तो चल ही रही है। तो उसने ये बात सोची कि क्यों ना वो एक फिल्म बनाए और वो फिल्म बनाने के लिए काफी सारा खर्चा उसके ऊपर कर भी देता है जो कि उसकी माँ उसे दिया करती थी और पैसे की तो कमी इनके पास थी ही नहीं, तो आखिरकार उसने एक फिल्म बना भी डाली। लेकिन ये फिल्म कभी भी रिलीज नहीं हुई। And I'm losing all of my hair. Come in. I can't live like this anymore. What do you need money for? So that I can get a hair transplant. You let a doctor cut open your head? Not just any doctor. I want the guy who did Matthew McConaughey. Max, I'm gonna kick your ass. I'm going bald, OB. So, I had my first heart attack while playing with myself. That's not so bad. My mom and her bridge club found me. उसका इन सभी चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और उसकी मूवी जब फ्लॉप हो चुकी थी, वो रिलीज ही नहीं हुई, तो उसने आखिर में एक बात सोची कि क्यों न वो एक एनिमेटेड सीरीज निकाले। वो इस सीरीज के ऊपर भी काफी सारा काम करता है, लेकिन आखिर में वो भी फ्लॉप ही रहती है। लेकिन अभी तक वो इस चीज के अंदर इतना ज्यादा घुस चुका था कि उसने शायद यही बात सोच ली थी कि वो इसी चीज में कामयाब होकर दिखाएगा। और इन्ही कारणों के चलते एक टाइम ऐसा आया जब उसकी मूवी भी नहीं चलती है, एनिमेटेड सीरीज भी नहीं चलती है, तो उसने आखिर में ये बात सोची कि वो एक कॉमिक बुक लिखेगा। उसने एक कॉमिक बुक भी लिखी और उसका नाम उसने सिंड्रोम दिया। अभी तक टाइम 2010 का आ चुका था और 2010 में उसने अपनी वो कॉमिक बुक रिलीज कर दी। And we are here
here with United Free Worlds. You are a comic book company. Yes. That has an amazing book out right now, and it's actually a little bit, you say that it's a little bit different from everybody else out here, and why is that? Our work is slightly different because we take more time in making the artwork a higher quality. We take a very extreme detail, it's very serious to us. उसने अपनी इस कॉमिक बुक में एक ऐसे डॉक्टर के बारे में बताया था जो कि सीरियल किलर के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो ये बात देख रहा था कि आखिरकार कोई सीरियल किलर किसी को अगर मार डालता है तो वो क्यों मारता है और क्या किसी सीरियल किलर को ठीक किया जा सकता है, जिसके तौर पर उस डॉक्टर ने एक बड़ा सा शहर बसा रखा था और उसके अंदर वो सारी चीजें मौजूद थी जो कि एक इंसान को चाहिए होती हैं। और आखिर में उस सीरियल किलर को उस शहर में छोड़ दिया जाता है और ये बात देखी जाती है कि इसका रिएक्शन किस तरह का है, और उसके उन सारे कारनामों को देखकर वो डॉक्टर उसका इलाज करने लगता है। उस कॉमिक बुक में बिल्कुल डिटेल से बताया गया था कि वो सीरियल किलर कितने बुरे तरीके से किसी को मार डालता है और आखिर में वो डॉक्टर उसका इलाज किस तरह से करता है, और उस डॉक्टर के सारे थॉट उसमें लिखे हुए थे कि ये डॉक्टर कुछ इस तरह का है जो कि इस बात को मानता है कि बुराई किसी इंसान में नहीं जबकि उसके हालातों में होती है, जिस तरह का वो पला बड़ा होता है, और यही कारण है कि वो आगे चलकर एक सीरियल किलर बन जाता है। ये सारी चीजें वो एक तरफ कर ही रहा था कि 2011 में उसकी मुलाकात अमांडा ब्राउन से होती है, और पहली नजर में ही ये दोनों एक दूसरे से जब मिलते हैं, थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं, तो आपस में इन्हें प्यार हो जाता है, और 2011 में ही इन्होंने शादी कर ली। लेकिन 2011 ही वो टाइम था जब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला था, क्योंकि 2011 में उसकी माँ की एक बीमारी के चलते जान चली जाती है, और अपनी माँ को गंवाने के बाद एक बार तो वो पूरी तरीके से अंदर तक टूट जाता है। लेकिन उसे अब उसकी फैक्ट्री भी संभालनी थी, अपने परिवार को भी संभालना था, तो वो उनकी फैक्ट्री में जाता है और वहाँ पर जो कुछ भी उसे देखभाल करनी थी वो देखभाल वो करने लगता है। 2015 तक वो जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लेता है। अब तक इसके दो बच्चे हो चुके थे और आज के टाइम में अमांडा के साथ उसकी काफी सारी लड़ाइयां भी हो रही थी। इस टाइम भी अमांडा प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा और उसने एक ही बात कही कि हम दोनों के बीच ये रिश्ता और ज्यादा नहीं चल सकता, हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, और यही बात बोलकर वो उसे डिवोर्स दे देता है। अब वो अपनी फैक्ट्री को संभालने लगा था और इसके साथ साथ अपनी जो कॉमिक बुक थी उसके ऊपर पूरा गौर वो करने लगा था। लेकिन ज्यादा दिनों तक इसे अकेला नहीं रहना पड़ा, क्योंकि इसी बीच इसकी मुलाकात आयना कैसिन से होती है। ये दोनों ही एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम बिताते हैं और उसके बाद ब्लैक को ये बात समझ आने लगी कि ये वो लड़की है जो कि मुझे समझ सकती है। उन दोनों के बीच प्यार का रिलेशन चलने लगता है और आखिरकार उन्होंने भी शादी कर ली, और शादी के कुछ एक दिनों बाद आयना प्रेग्नेंट हो गई और मई 2016 में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। ब्लैक इस चीज को लेकर काफी ज्यादा खुश था कि उसकी वाइफ उसके घर पर उसका पूरा का पूरा ख्याल रखती है। अब उनके घर पर एक बच्चा आ चुका है और उसकी फैमिली अब बिल्कुल अच्छे से सेटल हो चुकी है। उसे एक ऐसी वाइफ मिली है जो कि उसकी काफी ज्यादा केयर करती है। दूसरी तरफ उसकी फैक्ट्री वगैरह, उसकी कॉमिक वगैरह, उन सभी पर भी वो काफी अच्छे से ध्यान दे पाता है। इस बात को लेकर ब्लैक काफी ज्यादा खुश था। लेकिन ब्लैक के घर पर अब एक नया मेहमान आए हुए लगभग अभी सिर्फ 2-3 हफ्ते ही हुए होंगे कि उनके घर पर पुलिस आ जाती है और वो ब्लैक को अपनी हिरासत में लेकर वहां से चले जाते हैं। उसकी वाइफ पीछे पीछे उसके जाती है और पूछताछ करती है कि जनाब आखिरकार आप लोगों ने इसे अरेस्ट क्यों कर लिया, तो उसे वहां पर पता चलता है कि इसने 3 से 4 लड़कियां ऐसी मौजूद हैं जिनका रेप किया है और उन सभी ने आकर इसके खिलाफ यहां पर रिपोर्ट की है। इस बात को जानकर आयना काफी ज्यादा दुखी हुई और वापस वो अपने घर पर आकर अपनी माँ के पास कॉल करके सारे की सारे मामला बताती है कि यहाँ पर कुछ ऐसे हालात बन चुके हैं। तो उसकी माँ उनके पास आ पहुँचती है उनके घर पर और उस बच्चे को संभालने लगती है, और दूसरी तरफ आयना एक वकील को लेकर ब्लैक की जाकर जमानत करवाती है। ब्लैक अब घर पर आ चुका था, सारे के सारे लोग घर पर ही मौजूद थे कि उसे टाइम आयना की माँ ब्लैक से ये बात पूछती है कि बेटा तुम बाहर जाकर ये सारी की सारी क्या चीजें कर रहे हो, अब तो तुम्हारे घर पर एक बच्चा आ चुका है, तुम्हारी वाइफ है और तुम्हारे काफी सारे बिजनेस हैं, तुम्हें जाकर उन्हें संभालना चाहिए, लेकिन तुम तो बाहर काफी ज्यादा अजीबोगरीब कांड रचते फिर रहे हो। तो ब्लैक ने ये बात आयना की माँ से कही कि जब से ये बच्चा हमारी जिंदगी में आया है आयना ने मेरा बिल्कुल भी ध्यान रखना ही छोड़ दिया है और ये मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, पूरा का पूरा दिन इसी बच्चे को लेकर मुझसे बातें करती है और इसके अलावा इसे कुछ दिखाई देता ही नहीं, ये नहीं देखती कि इसके घर पर इसका एक पति भी मौजूद है। बच्चा होने से पहले ये पूरी तरीके से मेरा ख्याल रखा करती थी, लेकिन जब से ये बच्चा यहाँ पर इस घर में आया है इसने
मेरा तो ध्यान ही रखना बंद कर दिया है। तो आयना की माँ ने समझाना शुरू किया कि बेटा अभी तो ये काफी ज्यादा छोटा है और इस बात को शायद तुम भी समझ पाओगे। लेकिन ब्लैक ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि मैं इस बच्चे को चाहता ही नहीं जिसके आ जाने के कारण हमारे दिलों में इतना फर्क आ जाए कि ये मेरा ख्याल ही रखना छोड़ दे। और इस बात को लेकर आयना भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वो अपने बेटे को लेकर अपनी माँ के साथ चली जाती है। जब इसकी माँ यहाँ पर आकर रुकी थी तो उसने वहीं पास में ही एक अपार्टमेंट ले लिया था और वहीं पर वो किराए पर रहा करती थी। तो आयना अपने बच्चे को लेकर ब्लैक के घर से निकल पड़ती है अपने माँ के साथ और उनके साथ ही जाकर वहीं पर रहने लगती है जहाँ पर कि उसकी माँ रह रही थी किराए पर। अब वो भी अपने माँ के साथ यहाँ किराए वाले घर में आ चुकी थी और यहाँ पर वो रह रही थी। लेकिन उसके बाद टाइम आया 23 मई 2016 का, जब आयना के पास एक कॉल आता है और उस कॉल पर बातें करने के बाद आयना अपनी माँ से ये बात कहती है कि वो कुछ एक देर बाद ही वापस घर पर आ जाएगी, वो ज्यादा फिक्र ना करें। और ये बात बोलकर वो घर से निकल पड़ती है। लेकिन आयना लगभग सुबह के टाइम घर से निकली थी, अब दोपहर का टाइम हो चुका था लेकिन वो वापस नहीं आई। और जिस तरह की वो फोन पर लड़ाई करके गई थी उसकी माँ को भी पता चल गया कि ये फोन किसी और का नहीं जबकि ब्लैक का है। तो उसकी माँ ने ज्यादा चिंता करना छोड़ दिया और उसने यही बात सोची कि एक पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई होगी, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। और यही बात सोचकर वो अपने नातिन के साथ खेलने लगती है क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी ये बात थी कि इन दोनों पति पत्नियों के बीच में लड़ाई हुई है तो हो सकता है वो दोनों वहां पर थोड़ी छोटी मोटी लड़ाई कर रहे होंगे और उन दोनों के बीच शाम तक सुलह हो जाएगी। लेकिन शाम का टाइम हो चुका था, आयना अभी तक वापस नहीं आई थी, तो उसने थोड़ा और वेट करना शुरू किया। लेकिन आयना अपनी माँ के पास एक छोटा सा बच्चा छोड़कर गई थी जिसे कि टाइम टू टाइम भूख भी लगती रहती है। तो जैसे तैसे कर आयना की माँ ने उस बच्चे का ध्यान रखा और अगले दिन की सुबह हो चुकी थी लेकिन अभी भी आयना वापस घर लौट कर नहीं आई थी। तो अब उसकी माँ को ज्यादा चिंता होने लगती है और वो सीधा का सीधा ब्लैक के घर पर जा पहुँचती है और वहां पर जाकर दरवाजा खटखटाने लगती है, उसके घर के बाहर जो डोरबेल लगी हुई थी उसे बजाने लगती है। लेकिन अंदर से किसी भी तरह का कोई रिप्लाई बाहर नहीं आया, तो वो लगातार वहीं पर डोरबेल बजाती रहती है और अपनी बेटी को आवाज लगाती रहती है। काफी देर तक जब वो यही काम करती है तो आखिर में उस घर का एक दरवाजा खुलता है जिसके अंदर से ब्लैक बाहर देख रहा था। और जैसे ही ब्लैक ने उसकी माँ को देखा तो उसने धड़ाम से वो खिड़की बंद की और वो वापिस अंदर चला जाता है। ये सारी चीजें देखकर आयना की माँ भी काफी ज्यादा घबरा गई और उसने तुरंत पुलिस के पास कॉल कर दिया। To break into that apartment and get my daughter out. It's 3 weeks since she had a C-section and she needs doctor's attention. Okay, this is what I'll do. Tell her I will send deputies to do a welfare check to see if she is there. Yes, mom. She won't open the door. They already tried to do that and they tried to knock, but he doesn't open. He won't open the door. Okay, we'll do another welfare check and we will call her. To let her know the outcome, and then we'll go from there as far as possibly doing a missing persons report. Yes, ma'am. When are you going to go there? Because your life is in danger. We're going as soon as we hang up. पुलिस वहां पर आती है और दरवाजा नोक करने के बाद आखिर में उसकी माँ को यही बात बोलती है कि अंदर तो कोई है ही नहीं। लेकिन उसकी माँ ने ये बात समझानी पुलिस वालों को शुरू की कि अंदर जरूर कोई ना कोई है, मैंने ऊपर देखा था, एक बंदा आया था, खिड़की बंद करके गया है। लेकिन पुलिस वाले इस बात को नहीं मानते और वो वापिस चले जाते हैं। आयना की माँ भी अब वापिस घर पर आ चुकी थी और उसके दिमाग में तरह तरह के अलग अलग ख्याल आ रहे थे। वो शाम को वापिस जाकर उसी दरवाजे पर नोक करती है, घंटियां बजाती है और ब्लैक को देने लगती है, लेकिन अभी भी दरवाजा किसी ने नहीं खोला। तो उसने दोबारा से पुलिस के पास कॉल किया और उन्हें सारी की सारी डिटेल से बातें बताई कि ये बच्चा है, इसकी माँ अंदर गई थी, इसके पिता भी अंदर ही हैं, लेकिन उन दोनों के बीच पता नहीं ऐसी क्या बातें हुई कि आखिरकार उनमें से कोई भी बाहर निकल कर आया ही नहीं। तो पुलिस वाले जब इस बात को सुनते हैं कि ये बच्चा अभी भी भूखा है और इसकी माँ अंदर है, तो वो इस बात के लिए मान जाते हैं कि अंदर जो कुछ भी हो रहा हो अब हम लोग अंदर जाने वाले हैं। और इस बात को बोलकर वो
लोग जाकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा जब नहीं खुलता तो वो लोग उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। वो दरवाजा फिर भी नहीं टूटता, लेकिन लगातार पुलिस वालों की मशक्कत के चलते आखिर में एक टाइम ऐसा आया जब वो दरवाजा टूट जाता है। और दरवाजा टूटते ही पुलिस वाले जब अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो बैरिगेड्स लगे हुए हैं। अगर हम लोगों के पास चाबी भी होती तो भी ये दरवाजा नहीं खुलने वाला था। और ये बैरिगेड्स देखने के बाद पुलिस वालों को भी थोड़ी थोड़ी बात समझ आने लगी थी कि जरूर अंदर कुछ ना कुछ गलत चल रहा है और हो सकता है उस महिला की जान खतरे में हो। यही बात सोचकर पुलिस वाले अंदर जाते हैं और वहां पर जब उन लोगों ने तहकीकात करनी शुरू की, अपनी छानबीन शुरू की, तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर दीवारों पर काफी सारे खून के छींटे लगे हुए हैं। और जैसे ही वो लोग थोड़ा और अंदर जाते हैं तो वहां पर मौजूद एक बंदा जो कि पहले से ही वहां पर खड़ा था, वो पुलिस वालों को देखकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। पुलिस वाले उस दरवाजे पर जाकर नोक करने लगते हैं जो कि उस बंदे ने अंदर से बंद कर लिया था। और ये बात पुलिस वालों ने कही कि वो चुपचाप बाहर आ जाए, नहीं तो पुलिस वाले अपने तरीके से उसे बाहर निकालेंगे। लेकिन इसी बीच वो बंदा अपने दोस्त के पास कॉल कर देता है जो कि असल में एक वकील था। और कुछ एक देर बाद ही उसका वो दोस्त वहां पर आ भी पहुंचता है। दरअसल इस घर के अंदर जिस बंदे ने ये दरवाजा बंद किया था ये कोई और नहीं जबकि ब्लैक ही था। पुलिस वाले जब ये चीज देखते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ दीवारों पर खून लगा हुआ है, यहाँ आसपास में जितना भी फर्नीचर है उन सभी के ऊपर भी खून के छींटे हैं, तो उन्हें समझ आने लगी थी कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी घटना घटी है जो कि यहाँ पर नहीं घटनी चाहिए थी। तब तक उसका वो दोस्त भी वहां पर आ चुका था और उसने आते ही ब्लैक को बाहर आने के लिए बोला और पुलिस को सरेंडर करने के लिए बोला। ब्लैक बाहर आ जाता है और अपने आप को पुलिस वालों के हवाले कर देता है। पुलिस वाले उसे अपनी हिरासत में ले लेते हैं, लेकिन जब वो लोग उस कमरे के अंदर घुसते हैं तो वहां का मंजर देखकर उनका भी दिल दहल गया, क्योंकि वहां पर मौजूद बेड पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये बॉडी पूरे तरीके से खून से लथपथ थी और इसके सिर पर एक भी बाल मौजूद नहीं था। पुलिस वालों ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की तो उन्हें पता चलता है कि सिर पर मौजूद जिस जिस जगह पर बाल उगे हुए होते हैं वो सारी की सारी जगह इस आदमी ने इस लड़की की उखाड़ फेंकी है। वो भी सिर्फ बालों को नहीं जबकि बालों के साथ साथ उस सारी की सारी स्किन को भी उखाड़ दिया है जहां पर की बाल उगे हुए थे। और इसके साथ साथ जब उन लोगों ने और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चलता है कि इसके मुंह पर भी और शरीर के बाकी बॉडी पार्ट्स के ऊपर भी काफी सारे चोट के निशान हैं, और मुंह पर एक ऐसा निशान भी मौजूद है जो कि यहाँ पर काटने के कारण बना होगा। यानी कि इस बंदे ने इस लड़की के फेस पर बड़े ही बुरे तरीके से काटा था, जिसके कारण शरीर का वो हिस्सा जहाँ पर उसने काटा था वो शरीर से अलग ही हो चुका था, और इसके साथ साथ इसका एक कान भी गायब था। पुलिस वालों ने इस बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट सामने आई तो इस बात का पता चलता है कि जब इस लड़की के सिर के बालों को उखाड़ा गया होगा, इसकी सारी की सारी स्किन को उखाड़ा गया होगा, उस टाइम ये जिंदा थी। और सिर्फ उस टाइम नहीं जबकि उस घटना के लगभग 7 से 8 घंटे बाद तक ये लड़की जिंदा थी। इसने ये सारा का सारा दर्द काफी देर तक सहन किया है और इसके साथ साथ वो सारा दर्द भी सहन किया जब इसके कान को काट दिया गया था और उसके शरीर पर लगे बाकी घावों के बारे में तो कहना ही क्या है। और ब्लैक ने भी पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि आखिरकार उसने इसे किस तरह से मारा था। पुलिस वालों को जब ये सारी बातें पता चलती है तो उसे कोर्ट में पहुंचाया जाता है और वहां पर जज ने उसके इन सारी की सारी हरकतों को देखकर उम्र कैद की सजा सुनाई, वो भी बिना किसी पैरोल के। आज के टाइम में ब्लैक जेल में ही है और आयना के बच्चे को उसकी माँ संभाल रही है। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे केसेस मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट गंगा भूजल को एंड राइड ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।